नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंद्रकांत कोटेचा आज आपके लिए लाया हूँ एक गुजराती प्रार्थना, जो कि गुजराती स्कूलों में एक गुजराती प्रार्थना बहुत प्यारी सी बढ़िया सी गवाई जाती है बच्चों को। बहुत गाने जैसी, करने जैसी और बांसुरी पर बजाने जैसी प्रार्थना है। राग खमाज पर आधारित है और इसके अंदर कुछ कुछ राग झिंझोटी का भी स्वर दिखाई देता है। राग खमाज का परिचय मैं इसके पहले वाली एक स्वर मालिका के एपिसोड में दे चुका हूँ, इसलिए यहाँ फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आप वो एपिसोड में खमाज का पूरा परिचय देख सकते हैं, उसकी लिंक भी मैं यहाँ रख रहा हूँ ताकि आप उसको देख के खमाज का पूरा परिचय जान सकें। तो ये प्रार्थना आप अवश्य करिएगा। करने से पहले मैं आपको पूरी प्रार्थना एक बार सुना देता हूँ। ये धुन सम से ही यानी पहली मात्रा से ही शुरू होती है। देना स्नेह करूं
दीपचंदी ताल में राग खमाज में ये मैंने बांसुरी लिया था ए शार्प यानी काली पांच और ये ताल था दीपचंदी 180 बीपीएम की स्पीड में। अब उसकी एक एक लाइन की नोटेशन मैं आपको समझाऊं तो इसकी पहली लाइन थी नहीं आज कवि में तो जो जे डूबी जाए ना जाखो जाखो दीवो मारो जो जे रे बुझाए ना जाखो जाखो दीवो मारो जो जे रे बुझाए ना सद सामे होल्ड करना है पधा पम गग पम गरे सा नहीं आज कवि में तो जो जे डूबी जाए ना सद साम रे म म म म म पधा पम गग पम गरे सा आगे की लाइन जाखो जाखो दीवो मारो जो जे रे बुझाय ना सारे सारे ग म ग रे रे नी ये नी कोमल है सारे सारे ग म ग रे रे नी नी सा सा रे ग म ग रे सारे सारे ग म ग रे रे नी नी सा सारे ग म ग रे मुखड़ा उठाने का है
सा म्रे म म म म म प ध प म ग ग प म ग रे सा सा रे सा रे ग म ग रे रे नी नी सा सा रे ग म ग रे सा रे सा रे ग म ग रे रे नी नी सा सा रे ग म ग रे सा नहीं आजू कवि में तो जो जे डूबी जाय ना जाखो जाखो दीवो मारो जो जे रे बुझाय ना। अब इसका अंतरा अंतरे की कई लाइन है। स्वार्थ नु संगीत चारे कोर बजे स्वार्थ नु संगीत चारे कोर बजे मधनि दसा सा सा म म मतलब तीन बीट में म है म द नि द सा 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 तो ये 14 मात्रा है। म म ये तीन मात्रा का म द नि द द एक और द डैश और फिर नि द चार मात्रा ये हो गई। 4 और 3 7 सा तीन मात्रा का सा फिर दूसरी बार दो दो मात्रा का सा 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 म द नि द सा 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 नि सा नि सा नि सा नि द स्वार्थ नु संगीत चारे कोर बजे मधनि द सा सा नि सा नि सा नि सा नि द आगे की लाइन कोई न थी दुनिया माजे धनि द सा नि प म मम सा सा नि ध धनि द सा नि प म ग मम सा सा नि ध बाद में एक थोड़ा सा इंटरल्यूड लेना है, वो भी कैसे लेना है बताता हूँ। सा द सा रे म म म म म ये स्टार्टिंग की हाफ लाइन लिया है। करो तंबुरो जो जे सा द सा रे म म म म म फिर थोड़ा सा इंटरल्यूड है। सा नि द म सा नि द प म ग रे करो तंबुरो जो जे बेसुरो थाया सद साम्रे म म म म म पध प म ग ग प म ग रे सा जाखो जाखो दीवो मारो जो जे रे बुझाय सारे।
रे सा रे ग म ग रे रे नी नी सा सा रे ग म ग रे सा रे ग म ग रे रे नी नी सा सा रे ग म ग रे सा नहीं आजुकावी में तो जो दे डूबी जाए ना सद साम रे म म म म म प ध प म ग ग प म ग रे सा जाखो दीवो मारो जो जे रे बुझाए ना सारे सारे ग म ग रे रे नी नी सा सारे ग म ग रे सारे सारे ग म ग रे रे नी नी सा सारे ग म ग रे सा। तो ये बस लाइट क्लासिकल दीपचंद की ताल में बहुत प्यारी सी करने जैसी है। इसका उसका जो अंतरा है दो बार तीन बार भी बजा लेंगे तो अच्छा ही लगेगा, अच्छा लगने वाला ही है। आप ऐसा कर सकते हैं, और अगर चाहें तो बीच में आप कुछ भी खमाज का आलाप करके फिर मुखड़ा पकड़ सकते हैं। एक बार देख लीजिए। राग खमाज की लाइट क्लासिकल धुन है। इसके लिए इसके अंदर थोड़े और सुर भी कभी कभी आ सकते हैं, जैसे कि खमाज थाट का ही एक राग है झिंझोटी, इसमें कभी कभी आपको झिंझोटी की छाया भी दिखाई देगी। तो यह मिश्र खमाज में एक लाइट क्लासिकल धुन है, दीपचंदी 14 मात्रा के दीपचंदी ताल में। बहुत प्यारी सी धुन है, करने जैसी है। आप इसको अवश्य तैयार कीजिएगा और कैसी लगी हमें बताइएगा।
तो ये थी गुजराती प्रेयर नैया झुकावी में, तो राग खमाज पर आधारित दाल दीपचंदी में। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। हाँ तो दोस्तों, हमारे रूल के मुताबिक चलिए आज भी एक फिल्मी गाना भी सुन लेते हैं।